नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसी वर्मा टावर नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा, और मोबाइल नंबर है 9415207728। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिनसेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आजमगढ़ के नगर निकाय के लिए जिले की 3 नगर पालिका और 13 नगर पंचायत के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। हर चट्टी चौराहों पर केवल नगर निकाय के चुनाव की चर्चा हो रही है। इस संबंध में जब हमने नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के लोगों की नब्ज टटोली और पूछा कि इस बार चुनाव में वोटिंग स्थानीय मुद्दों पर होगी या माफिया के आरक्षण प्रक्षण पर, तो लोगों का जवाब था कि वोटिंग तो स्थानीय मुद्दे पर होगी क्योंकि वे लोग नगर का विकास चाहते हैं। माफिया पर एक्शन से नगर निकाय में कोई मतलब नहीं है, लेकिन माफिया पर एक्शन प्रयागराज के लिए चुनावी मुद्दा हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं। नए चेयरमैन से लोगों को उम्मीदें तो काफ़ी बड़ी है। लोगों को उम्मीद है नगर में केवल मुख्य मार्गों पर ही नहीं बल्कि गलियों में भी सफाई व पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ होगी। वही इसके अतिरिक्त नगर के लोगों की सबसे बड़ी उम्मीद नए चेयरमैन से पार्किंग व मॉर्निंग वॉक के लिए वॉकिंग टैग या फिर पार्क है। क्या नाम है? दीपक नाम है भैया। अच्छा, आपकी जो निकाय चुनाव है विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा, माफिया एक्शन के मुद्दे पर? विकास के मुद्दे पर होगा। मेन नाली में इतना कचरा है, जाम है, रोड साफ सफाई बेहतर हो और आजमगढ़ का विकास अच्छा हो, हम लोग ये चाहेंगे। माफिया से कोई मतलब थोड़ी ना है। हाँ, सफाई साफ सफाई अच्छा हो, नगर की समस्या जी, नगर की समस्या सब हल हो, लाइट वाइट सब बढ़िया रहे, इस पे वोटिंग करेंगे जी। इसी वोट होगा ना, अब देखा जाएगा तो अच्छे आदमी को सुना जाएगा। क्या नाम है? अवधेश यादव। अच्छा, जो आपकी माफियाओं का एक्शन का मुद्दे चुनाव होंगे कि विकास के मुद्दे पे चुनाव? नहीं, नहीं, चुनाव तो विकास के मुद्दे पे होंगे। हाँ। साफ सफाई, नाली, अभियान, यही सब। हाँ। जो करेगा विकास बढ़िया वही जीतेगा। जो नगर की काफी समस्याएं हैं उसकी? हाँ हाँ, नगर में तो काफी समय मोहल्ले मोहल्ले में एकदम गंदगी फैली हुई, दलाल घाट चले जाइए तो बहुत गंदगी है। हाँ। हाँ। उसको सफाई चाहते हैं? हाँ, सफाई चाहते। बढ़िया प्रत्याशी? हाँ, बढ़िया प्रत्याशी चुना जाए। क्या नाम है? मेरा नाम नितेश अग्रवाल है। मैं एक स्कूल ड्रेस का व्यवसायी हूँ, मेन चौक पे हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बार निकाय चुनाव में माफियाओं से क्या मतलब, अब हमें अपना नगर देखना है, हमें अपना शहर देखना है। क्या विकास है जो 5 साल में काफी पीछे चला गया है, काफी पीछे हो गया है। शहर भी हर जगह की हर तरह टूटे हुए हैं, नाली सफाई, गंदगी, रोड लाइट सब देखा जाए, काफी स्थिति इस 5 साल में पीछे गए। इस बार उम्मीद है कि कुछ अच्छा होगा, देखा जाएगा, काफी उम्मीद किया जा रहा है इस चुनाव से कुछ अच्छा हो, काफी काम होना चाहिए इस बार। अब देखिए क्या होता है आगे। ये 5 साल काफी हमारे लिए बेकार रहा, ये आने वाले 5 साल हमारे लिए काफी अच्छा आना चाहिए, इसलिए उम्मीद कर रहे हैं। अब विकास का मुद्दा रहेगा? विकास का मेन विकास मुद्दा है, क्योंकि इस 5 साल में हम काफी पीछे गए, काफी हमारा शहर पीछे गया है। इस 5 साल में हम अच्छा उम्मीद कर रहे हैं, कुछ अच्छा हो। आजमगढ़ के नगर निकाय के लिए जिले की 3 नगर पालिका और 13 नगर पंचायत के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। हर चट्टी चौराहों पर केवल नगर निकाय के चुनाव की चर्चा हो रही है। इस संबंध में जब हमने नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के लोगों की नब्ज टटोली और पूछा कि इस बार चुनाव में वोटिंग स्थानीय मुद्दों पर होगी या माफिया के आरक्षण प्रक्षण पर, तो लोगों का जवाब था कि वोटिंग तो स्थानीय मुद्दे पर होगी क्योंकि वे लोग नगर का विकास चाहते हैं। माफिया पर एक्शन से नगर निकाय में कोई मतलब नहीं है, लेकिन माफिया पर एक्शन प्रयागराज के लिए चुनावी मुद्दा हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं। नए चेयरमैन से लोगों को उम्मीदें तो काफी बड़ी है। लोगों को उम्मीद है नगर में केवल मुख्य मार्गों पर ही नहीं बल्कि गलियों में भी सफाई व पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ होगी। वही इसके अतिरिक्त नगर के लोगों की सबसे बड़ी उम्मीद नए चेयरमैन से पार्किंग व मॉर्निंग वॉक के लिए वॉकिंग टैग या फिर पार्क है। क्या नाम है? दीपक नाम है भैया। अच्छा, आपकी जो निकाय चुनाव है विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा, माफिया एक्शन के मुद्दे पर? विकास के मुद्दे पर होगा। मेन नाली में इतना कचरा है, जाम है, रोड साफ सफाई बेहतर हो और आजमगढ़ का विकास अच्छा हो, हम लोग ये चाहेंगे। माफिया से कोई मतलब थोड़ी ना है। हाँ, सफाई साफ सफाई अच्छा हो, नगर की समस्या जी, नगर की समस्या सब हल हो, लाइट वाइट सब बढ़िया रहे, इस पे वोटिंग करेंगे जी। इसी वोट होगा ना, अब देखा जाएगा तो अच्छे आदमी को सुना जाएगा। क्या नाम है? अवधेश यादव। अच्छा, जो आपकी माफियाओं का एक्शन का मुद्दे चुनाव होंगे कि विकास के मुद्दे पे चुनाव? नहीं, नहीं, चुनाव तो विकास के मुद्दे पे होंगे। हाँ। साफ सफाई, नाली, अभियान, यही सब। हाँ। जो करेगा विकास बढ़िया वही जीतेगा। नगर की काफी समस्याएं हैं।
आपके? हाँ हाँ, नगर में तो काफी समय मोहल्ले मोहल्ले में एकदम गंदगी फैली हुई, दलाल घाट चले जाइए तो बहुत गंदगी है। हाँ, उसको सफाई चाहते हैं? हाँ, सफाई चाहते हैं। बढ़िया प्रत्याशी है? हाँ, बढ़िया प्रत्याशी चुना जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम नितेश अग्रवाल है। हाँ। मैं स्कूल ड्रेस का व्यवसायी हूँ, मेन चौक पे हूँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बार निकाय चुनाव में माफियाओं से क्या मतलब, हमें अपना नगर देखना है, हमें अपना शहर देखना है क्या विकास है, जो 5 साल में काफी पीछे चला गया है, काफी पीछे हो गया है का शहर भी, हर जगह की हर तरह टूटे हुए हैं, नाली सफाई गंदगी रोड लाइट सब देखा जाए, काफी स्थिति इस 5 साल में पीछे गए। इस बार उम्मीद है कि कुछ अच्छा होगा, देखा जाएगा, काफी उम्मीद किया जा रहा है इस चुनाव से कुछ अच्छा हो, काफी काम होना चाहिए इस बार। अब देखिए क्या होता है आगे, ये 5 साल काफी हमारे लिए बेकार रहा, ये आने वाले 5 साल हमारे लिए काफी अच्छा आना चाहिए, इसलिए उम्मीद भी कर रहे हैं। अब विकास का मुद्दा रहेगा? विकास का मेन विकास मुद्दा है, क्योंकि इस 5 साल में हम काफी पीछे गए, काफी हमारा शहर पीछे गया है, इस 5 साल में हम अच्छा उम्मीद कर रहे हैं कुछ अच्छा। आगामी 22 अप्रैल को ईद उल फितर त्यौहार के मद्देनजर बुधवार को पूर्वाह्न 11 बजे महानगर थाना परिसर में उपजिलाधिकारी संतोष रंजन की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई, जहां दोनों समुदाय के लोग उपस्थित रहे। दौरान उपस्थित लोगों को एसडीएम ने कहा कि आप सभी सौहार्दपूर्ण वातावरण त्यौहार मनाएं, कोई नई परंपरा नहीं की जाएगी, पर्व की भांति ही करेंगे, त्यौहार में कोई व्यक्ति खलल डालता है तत्काल इसकी सूचना इंस्पेक्टर को दें। साथ ही कहा कि थाना प्रभारी को निर्देशित किया कि कोई शराबी कस्बे में हुड़दंग न करे, धारा 144 का अनुपालन हो, कस्बे में सुरक्षा की दृष्टि से सुबह शाम चक्रमण अवश्य करें, जगह जगह पुलिस तैनात रहे, अराजक तत्वों पर पैनी नजर रखें। ईद के एक दिन पूर्व से ही कस्बे में सुअर न घूमने पाए। इस दौरान थाना प्रभारी विनय कुमार सिंह ने कहा कि किसी प्रकार की कोई समस्या या परेशानी हो तो तत्काल हमें 9454429916 पर सूचना करें, नाम और मोबाइल नंबर गोपनीय रखा जाएगा। इस मौके पर उपनिरीक्षक अभिषेक सिंह, पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार चौहान, इंतजाम जामिया कमेटी के अध्यक्ष समहुल शमसुल हुदा, सत्यनारायण सेठ, डब्ल्यू खान, शाहिद रजा सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। बुढ़नपुर क्षेत्र के विकासखंड अरवला के बस्ती भुजबल ग्राम निवासी हरिकेश गुप्ता पुत्र भरत गुप्ता का आरोप है कि मेरी जमीन पर बगल के ही दबंग व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मेरे विपक्ष द्वारा मेरी हैंडपंप तोड़ दी गई है। बता दें कि मैं अपनी जमीन पर 25 वर्ष से पूर्व से हैंडपंप लगवाया था, जिसे विपक्ष द्वारा तोड़कर फेंक दिया गया है और पाइप में मिट्टी से पाट दिया गया है। इस कड़ाके की गर्मी में मेरे परिवार के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। हम इधर उधर से पानी का इंतजाम करते हैं और किसी तरह से अपनी प्यास बुझाते हैं। दबंगई का आलम इस कदर है कि स्थानीय थाने की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। गरीब मजबूर बेसहारा व्यक्ति हूँ, मेरी कभी सुनवाई नहीं हो, तमाम इस तरह से शिकायत किया है और तमाम इस तरह के आरोप लगाए, सुनिए। हरकेश गुप्ता, बस्ती भुजबल। हमारी समस्या है, हमारा भूमधरी जमीन है सड़क के किनारे, हमारा उसमें मकान वकान है, उसमें नलका हमारा था, उसमें अजय सिंह नलका तोड़ दिए जेसीबी से। अरे 2500 साल पुराना है सर। अजय सिंह पुत्र देवी प्रसाद सिंह तोड़ दिए थे। तो हम दोबारा लगवाए नल, तो फिर दोबारा 7-8 लोगों को लेकर, दबंगों को, दबंग आदमी हैं, लेकर सरकसई से अजय सिंह पुत्र देवी प्रसाद सिंह दबंग है, सरकसई से हमारा नल तोड़ दिए, हम उसको उठा ले गए तोड़ करके। शिकायत हमने थाने पर किया गए, कुछ एसपी साहब कियन किया, जिलाधिकारी कियन किया, कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही है। हम अकेले आदमी हैं, असहाय हैं और गरीब हैं, हमारी कोई मदद नहीं की जा रही, कहीं पर जा रहे हैं कोई हमारी मदद नहीं हो रही है। पानी हम इधर उधर से मांग कर पी रहे हैं। दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। एसपी के निर्देश पर जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु प्लाजर अभियान के तहत रानी की सराय पुलिस को सफलता हाथ लगी है। दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है। पूरी घटना के बारे में आपको बता दें कि 16 अप्रैल 2023 को वादनी थाना के रानी की सराय जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने में आकर लिखित दर्ज दिया गया था कि अभियुक्त सूरज पुत्र दिनेश ग्राम रुधरी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ द्वारा वादनी से दुष्कर्म किया गया है। लिखित तहरीर के आधार पर थाने पर स्थानीय थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ में धोखाधड़ी व नकबजनी करने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस अधीक्षक अनुराग यार के निर्देश पर जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु लाजर अभियान के तहत कोतवाली पुलिस को सफलता हाथ लगी है। घटना के बारे में आपको बता दें कि 3 मार्च 2023 को वादी डॉक्टर पंकज शर्मा ग्राम डेढ़ का गढ़वा गाजीपुर के द्वारा तहरीर दिया गया था कि वादी घर का ताला तोड़कर चांदी के बर्तन चोरी कर लिया गया है। इसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और वादनी गीता यादव पत्नी सुशीलिया ग्राम यादव ग्राम बरदरका थाना कोतवाली आजमगढ़
द्वारा थाने पर आकर लिखित दर्ज दिया गया था कि चोरों द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय के कमरे में पंखा चोरी कर लिया गया। लिखित दर्ज के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की। फेसबुक पर विदेशी महिला बनकर साइबर ठगी करने वाले 3 को गिरफ्तार करने में आजमगढ़ पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि फेसबुक पर विदेशी महिला बनकर साइबर ठगी करने वाले गैंग के 3 वांछित अपराधी कल गिरफ्तार हुए थे। गिरफ्तार अपराधियों के बैंक खातों से 11 लाख रुपए, फ्रिज व 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। मामले में आज पुलिस अधीक्षक अनुरागार ने जानकारी दी है, सुनिए। 19 अक्टूबर 2022 में साइबर क्राइम थाने पर वादी द्वारा शिकायत करी गई कि एक विदेशी महिला जिसका नाम लूसी चार्लोट था, उसने वादी से दोस्ती करी व 25,000 US पाउंड व महंगे विदेशी गिफ्ट देने के नाम पर उससे धोखाधड़ी कर 18 लाख रुपए ऐंठ लिए गए। इस प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 17/22 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 66D व 66C ITR का कायम किया गया। इस प्रकरण में साइंटिफिक बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन करी की गई व इससे ये ज्ञात हुआ कि हमारा वादी जिसने शिकायत करी है अंतर राज्य साइबर गैंग का शिकार बना है। इस प्रकरण में सौरभ कुमार नाम के अभियुक्त की गिरफ्तारी, जो नवादा का रहने वाला था, 4 मार्च को की गई। इसके उपरांत 16 अप्रैल को 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें रुपेश कुमार व दिलीप कुमार जिला नालंदा बिहार के रहने वाले हैं और रोशन कुमार जिला शेखपुरा का रहने वाला है। इनके खाते में 11 लाख रुपए थे जिनको सीज किया गया है व इनसे 5 फोन बरामद हुए हैं। साइंटिफिक बेसिस पर यह इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करी जाएगी व एक अभियुक्त जो गिरफ्तारी हेतु शेष है, रिपांशु कुमार, ये भी नवादा का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। विवेचना कंप्लीट कर साइंटिफिक बेसिस पर चार्जशीट न्यायालय भेजी जाएगी और जल्दी से जल्दी इन लोगों को सजा दिलाई जाएगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार आज जनपद आजमगढ़ में इन जागरूकता अभियान का समापन समारोह आयोजित किया गया। यह आयोजन आयोजक संस्था विकास एवं शिक्षण समिति द्वारा प्रतिभाने के तहत स्कूल में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आजमगढ़ जनपद के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ARTO द्वय श्री जितेंद्र यादव और अतुल यादव उपस्थित थे। विशिष्ट अतिथि मौर्य भारत सरकार के रोड सेफ्टी क्लब के नोडल ऑफिसर प्रांशु सिंह रहे। आयोजक संस्था विकास एवं शिक्षण समिति द्वारा मार्च माह से अब तक किए गए सड़क सुरक्षा संबंधी जागरूकता कार्यक्रमों की संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। संस्था के निदेशक डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव ने रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि इन 2 माह में किए गए जागरूकता कार्यक्रमों में विभिन्न स्कूलों, संस्थाओं, ग्रामीण क्षेत्रों, सार्वजनिक स्थानों इत्यादि में सेमिनार, विभिन्न प्रतियोगिताएं, नुक्कड़ नाटक, टॉक शो, हेडिंग, हैंडबिल, स्टिकर्स वितरण, वॉल राइटिंग, ड्राइंग कंपटीशन, SC कंपटीशन इत्यादि के जरिए जनपद में लाखों लोगों को जागरूक किया। लगाते थे सीट बेल्ट, लेकिन अब है कि हम लोग जब निकलते हैं अपने घर से, हम लोग की आदत में आ गया कि सीट बेल्ट तुरंत लगा लेते हैं। कई बार क्रैश होते हैं कि दूसरे जिले में मैं था, DM साहब थे, तो कहे कि ये बताओ तुम लगाते हो कि नहीं है, तो हम कहे नहीं सर। निसंदेह कि जब भी हमारी चेकिंग में गाड़ी रहती है तो हमारी गाड़ी अक्सर 70-80 में चलती है, जबकि पीछा करते हैं गाड़ी का तो सामान नहीं रहता है, तो हम कहे सर हम तो हमेशा लगाते हैं। तो उनका पूछने का एक तरीका था कि अपने से कर कीजिए तब लोगों का होगा। आप जितने आप शिक्षिकाएं हैं, आप हैं, मतलब अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं या फिर आप ही निकले मतलब गाड़ी मोटरसाइकिल से, आप ही हेलमेट नहीं आपके पास है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जहां तक हमको लग रहा है। तो आप लोग वो करते हैं तो अपने से शुरू कीजिए, अपने बच्चे जो यहाँ क्लास में घर पे है बच्चे, उनको बताइए कि नहीं इसकी इम्पोर्टेंस है, वो आगे बढ़ेगा फिर वो चीज़ें हैं। दूसरी चीज है कि सबके बच्चे बड़े हो रहे हैं कि तो बच्चों को बाइक दिलाना कि नहीं बर्थडे पे बाइक दे दिए वो कर दिए, पहले अवेयर करने का बाइक दीजिए, बाइक देना सही अच्छी चीज है लेकिन अवेयर हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग से रूबरू यही होता है कि आप शिक्षक को तो अपने कम से कम विद्यालय में चीजें मतलब जिसे रखे, जिसे आपको मैं मैनेजर साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने हमारे बहुत से कार्यक्रमों में एक्टिव मतलब एक्टिव रूप से रोल करते हैं, कुछ सुझाव भी देते हैं। DM साहब की मीटिंग में मतलब हम लोग थे परिवहन आने वाली में, तो DM साहब है कुछ कम बोलते हैं लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि मतलब वो करते हैं कि इनका सुझाव सही है वह वो चीज़ है, तो अच्छे सुझाव देते हैं। आपका विद्यालय प्रतिष्ठित विद्यालय है, जहाँ जब से हम आए हैं तो पता चला कि नहीं आपके UP बोर्ड में अच्छा विद्यालयों में गिनती है, तो ये चीज़ें हमारे यहाँ अपनी बाड़ी को मैं मतलब कम से कम शब्दों में आए कि हम लोग इतने लोग हैं कम से कम एक संकल्प लें
कि नहीं हम मतलब है कि आगे कोई बताएंगे अपने खुद प्रयोग करें, क्योंकि जितने लोग बैठे हैं सब लोग बाइक है, हम फोर व्हीलर का प्रयोग करते होंगे निस्संदेह, इसमें कोई दो राय। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर एवं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरसोत्तम पटेल के अनुमोदन उपरांत समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने जनपद के समस्त नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव में निम्नलिखित प्रत्याशी घोषित किया है, जिसमें नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के अध्यक्ष पद हेतु सरफराज आलम उर्फ मंसूर, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर अध्यक्ष पद हेतु श्रीमती तैयबा पत्नी फराज अंजुम, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद किवलरियागंज श्रीमती मीना देवी पत्नी राजेश पासवान प्रत्याशी होंगे। इसी क्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अथरौड़िया सुभाष चंद्र, बूढ़नपुर से ललित कुमार, महाराजगंज से नूरजहां पत्नी इरशाद अहमद, जानागंज से सरफराज को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है और अन्य पर विचार चल रहा है। श्री यादव ने पार्टी के सभी विधायकगण, पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं से अनुरोध किया है कि दल के अधिकृत प्रत्याशियों को जिताने का कार्य करें। बलिया से खबर है जहां बालक की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए मुठभेड़ में एक को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि थाना सुखपुर वसवा टीम बलिया की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा बालक की हत्या घटना का सफल अनावरण करते हुए एक नफर अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से एक तमंचा, कारतूस व खोखा बरामद किया गया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक बलिया राजकर नैयर ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जनपद बलिया के थाना क्षेत्र सुखपुरा में हनुमानगंज में दिनांक 10 अप्रैल 2023 को एक बच्चे की अपहरण का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। मुकदमे के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया था। दुखद उस बच्चे का ये मृतक शरीर दो दिन बाद हमको गांव के पोखरे में मिला था, जिस संबंध में तत्काल पंचायतनामा भर करके पीएम की कार्रवाई करवाई गई थी। पीएम में मृत्यु का कारण एंटीमार्टम थ्रॉटलिंग आया था, इस करके तत्काल मुकदमे को तरमीम करते हुए हत्या के मामले में उसको पंजीकृत करते हुए एडिशनल एसपी बलिया के नेतृत्व में तीन टीमों का गठन किया गया था। और मैं बताना चाहूँगा कि इन तीन टीमों के द्वारा पिछले एक हफ्ते से लगातार अथक प्रयास करते हुए लगभग गांव के 30 से 40 लोगों से पूछताछ करके विभिन्न साक्ष्य संकलित करते हुए फाइनली मुलजिम के बारे में जानकारी हुई थी। उक्त मुलजिम की गिरफ्तारी हेतु हमारी टीम प्रयासरत थी, जिसके क्रम में आज अर्ली मॉर्निंग उस अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त के द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया और भागने की कोशिश की गई, जिस दौरान आत्मरक्षार्थ पुलिस कार्रवाई में जो अभियुक्त है वह घायल हुआ है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अभियुक्त उसी गांव का रहने वाला है जो बच्चा जिसका अपहरण हुआ था, उसके घर से मात्र 60 मीटर की दूरी पर अभियुक्त का घर है। अभियुक्त ने बच्चे को अपने घर पर ही रखा था वहाँ से, क्योंकि घर के बिल्कुल बगल में है तो वह लगातार देख रहा था कि घर वाले क्या कर रहे हैं। ऐसे में क्योंकि गांव से ही सूचना संकलित करनी थी, टीम के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य था और टीम ने अच्छे से इस कार्य को संबंध। रामपुर से खबर है जहां किसान यूनियन के बैनर तले पीड़ित परिवार ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। मानव कांसिया आवास पहाड़ी गेट की रहने वाली गुलफिजा पत्नी मोहम्मद यूसुफ के प्रसव के लिए बेरियान की स्थित यूपी 22 अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसको रामपुर दोराह स्थित फोटान हॉस्पिटल रेफर कर दिया था। वहां पर उसका ऑपरेशन के दो पुत्र हुआ, लेकिन उसके कई जगह लंबे चीरे लगाए गए, जिससे परिवार को शक हुआ कि कहीं वह सब मानव अंगों की तस्करी के लिए तो नहीं किया गया है, क्योंकि प्रसव के लिए पेट में छोटा चीरा लगाया जाता है, इस तरह सिरे तक चीरा नहीं लगाया जाता। एक माह बीतने के बाद जब हालत में सुधार नहीं हुआ तो परिवार उसको लेकर जिला महिला चिकित्सालय गया, वहां से उसको मेरठ रेफर कर दिया गया। प्रदर्शन करने वालों में राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पासा, सुमान अली लाल, मोहम्मद शाकिर खान, गुलसभा गुलशन साचिया, सदाब अरसलान, विनोद कुमार आदि लोग मौजूद रहे। क्या मामला यह है कि रामपुर जिले के साथ साथ आसपास के जिलों में भी ये अवैध अस्पतालों का धंधा पूरी तरह से सक्रिय है। अभी एक बेरियान मोहल्ले में एक अस्पताल है यूपी 22 के नाम से, वहाँ से एक मरीज गुलफिजा पत्नी यूसुफ को मुरादाबाद रामपुर दोराहा स्थित एक अस्पताल में रेफर किया गया, जिसका नाम फोटोन हॉस्पिटल है। नाम बहुत हाईफाई रखे जाते हैं, मल्टी स्पेशलिस्टी ट्रामा सेंटर वगैरह, इस तरह के नाम रख के लोगों को गुमराह किया जाता है। तो फोटोन अस्पताल में जब उसको मरीज के जाके वहाँ पर प्रसव का मामला था, तो वहाँ पर जाके जब उसका ऑपरेशन किया गया तो ये प्रसव का एक ऑपरेशन यहाँ पर हल्का सा कट लगाकर, मतलब क्योंकि अभी महिला अस्पताल में वो मरीज है जिसको मतलब कहते हैं मुरादाबाद, वो मेरठ रेफर किया गया है, तो मेरठ रेफर लेकर जा रहा है उसको, तो उसमें बतलाया कि ये कट जो हैगा ये कट तो मतलब कहते हैं उसके लिए है, प्रसव के लिए, बाकी उसका एक यहाँ से यहाँ तक चीरा लगाया हुआ है और एक यहाँ पर एक होल है, उससे साफ प्रतीत होता है कि मानव अंगों की तस्करी के इरादे से वो उसके मतलब चीरफाड़ की गई है। तो हमने CMO साहब से मुलाकात की और बताया कि इस तरह के जो भी वो हैं तो इसकी जाँच की जाए,
तो उन्होंने कहा कि जो एडी हेल्थ है मुरादाबाद में बैठते हैं, आप उनसे भी मुलाकात कर लीजिएगा। तो अब हम, क्योंकि अभी मरीज की हालत बहुत सीरियस है, मरीज़ ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है, तो अभी तो मरीज़ को मतलब कहते हैं मेरठ भेज रहे हैं, और उसके बाद में कल से अगर ये उन्होंने स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई शुरू नहीं की तो कल से हम यहाँ पर बेमियादी धरने पर बैठेंगे, और तब तक बैठे रहेंगे चाहे इनको भी बंद करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, क्योंकि मरीजों के जो इस तरह से पूरी ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। और सबसे बड़ा कारण ये है कि जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी की वजह से ये सब धंधे चल रहे हैं, और जिला अस्पताल में भी क्या किया जाता है कि वो वहाँ पर जो स्टाफ है वो इन अवैध अस्पताल संचालकों से मिला जुली कर किए हुए है। वहाँ से वो बता देता है कि साहब आप मरीज़ को रेफ़र कर दो मुरादाबाद। जब वो मुरादाबाद रेफ़र करते हैं तो वहाँ पर एम्बुलेंस वालों को आप देखेंगे बहुत लंबी लाइन लगी होती है। उनका भी यही काम है कि आप मुरादाबाद लेके जाओगे, फला अस्पताल में लेके जाओगे, सरकारी अस्पताल में ऐसी काम होता वैसा होता है, आप इससे फला अस्पताल बराबर में वहाँ पर ले चलिए। तो ये सब कमीशन के खेल में लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, और कोई दिन इत्तेफाक से ऐसा नहीं जाता जो एक ना एक गर्भवती महिला की मौत नहीं होती। तो ये सब धंधे बंद होना चाहिए। अस्पताल में हमारे हर तरह की सुविधा है, वहाँ पर डॉक्टरों की तैनाती हो, और क्योंकि ये अस्पतालों में अगर इस तरह के धंधे बंद नहीं होंगे तो हम फिर अब धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे।